तो यार आप लोगों का काफी कमेंट आता है कि सर हम ग्रीन स्क्रीन शॉट अपने चैनल पे बना रहे हैं, जितना भी शॉट को अपलोड कर रहे हैं उस पे 0 या फिर 400 या फिर 500 या फिर 1000 या फिर 2000 व्यू जाके ऐसी रुक जा रही है, उसके बाद आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है या फिर बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि सर हम जितना भी शॉट को अपलोड कर रहे हैं उस पे 4000 5000 6000 10000 व्यू जाके पूरी तरीके से स्टक हो जा रही है, उसके बाद आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। तो भाई ऐसी तरह से आपका भी अगर सेम प्रॉब्लम है, जितना भी शॉर्ट को अपलोड कर रहे हो उसी तरह से आपका भी व्यूज रुक जा रही है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए पूरा का पूरा हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका शॉर्ट पर पूरा का पूरा 100% लाख में और मिलियन में भी व्यूज आप भेज सकते हो। अब वो कैसे, सबसे पहले आप इधर प्रूफ देख लो, ठीक है? तो लाइव इधर प्रूफ देख लो, यहां पे लाइव देख पा रहे इस शॉर्ट को अपलोड किए मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे हुआ है। 3 से 4 घंटे में लाइव देख पा रहे 10000 व्यूज जो है ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, आपके आंख के सामने प्रूफ देख पा रहे होंगे। और जितना भी अभी हम रिफ्रेश मारे उतना हमारा जो व्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है पूरा का पूरा 100% इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक देखते जाओ। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद नेक्स्ट जो है आपका शॉर्ट जो है लाख में या फिर मिलियन में व्यूज जाने वाली है, वो भी यूनिक टेक्निक के मदद से। तो गाइस यहां पे आगे जाने से पहले कल का वीडियो के भाई विनर है इनके चैनल को कम्युनिटी पोस्ट टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे मैं प्रमोशन कर दूंगा, इनके चैनल को जाके सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप भी इसी तरह से अपने चैनल को प्रमोशन कराना चाहते हो उसके लिए आपको सिंपल सा इस वीडियो के नीचे लाइक मार देना है, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना है, देन उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नेक्स्ट विनर जो आप निकल तो यार उसके लिए मैं सिंपल से यूट्यूब पे आ गया हूँ। यूट्यूब पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस जो भी अभी आपको टेक्निक बताने वाला हूँ सारे टेक्निक को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके चैनल पे जितने भी शॉर्ट को अपलोड करोगे, खासकर ग्रीन स्क्रीन शॉट को जितने भी अपलोड करोगे वो सारे के सारे शॉर्ट जो है लाख में या फिर मिलियन में या फिर 20000 या फिर 30000 या फिर 40000 ऐसे व्यूज हुए आएगा ही आएगा। अब वो कैसे, सबसे पहले हम प्रूफ दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले एक चैनल को बनाया था जिसपे अभी मैंने वीडियो अपलोड करना है पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अभी मैं योर वीडियो पे जाते हैं तो लाइव प्रूफ देख पाऊंगे, इस पे जितने भी वीडियो अपलोड हुई है सारे पे 10000 15000 11000 12000 4000 5000 10000 20000 ऐसे व्यूज आई है सभी के सभी वीडियो पर, प्रूफ देख पा रहे आपके आंख के सामने देख पा रहे, ठीक है? और ये सभी का सभी पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक टेक्निक के मदद से। और ये यूनिक टेक्निक अगर आप अपने चैनल पे लगा देते हो तो आपके भी चैनल पे सारे के सारे शॉर्ट जो है जितने भी अपलोड करोगे सारे के सारे शॉर्ट जो है रैंक करना शुरू कर जाएगी, ठीक है? तो कैसे पॉसिबल हुआ है पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर में पूरा लाइव करके दिखाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखना और बिना स्किप करते हुए देखना, क्योंकि मेरे भाई छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है अगर आपको मिलियन में व्यूज लेना है तब। ऐसे रैंडम अपलोड कर दोगे, रैंडम हैशटैग को डाल दोगे, रैंडम कीवर्ड को डाल दोगे तो भाई कितना भी ताकत क्यों ना लगा दो भाई कभी भी आपका शॉर्ट जो है लाख में या फिर मिलियन में नहीं जाने वाली है। अभी कैसे पूरा का पूरा लाइव दिखाएंगे तब समझ में आएगा। और इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए देन उसके बाद नेक्स्ट अगर आप शॉर्ट को अपलोड करोगे तो 100% लाख में या फिर मिलियन में जाएगा ही जाएगा। तो गाइस सबसे पहले उसके लिए आपको कहना क्या है कि गाइस YT स्टूडियो को जो सेटिंग होती है उसमें जितने भी आप कचड़े तरीके से कीवर्ड डाले होंगे, हैशटैग डाले होंगे, वो सारे को हटा के आपको कौन सा डालना है वही बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है? उसके लिए गाइस आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडामेंटल गाइस यहां पे आपको लिख देना है YT स्टूडियो, ठीक है? मतलब यानी कि गाइस studio.youtube.com लिख देना है, ठीक है? वो स्टूडियो लिख देते हैं सिंपल सा गाइस, मैं यहां पे लिख देता हूं वो स्टूडियो, ठीक है? STUDI, ठीक है? studio.youtube.com login इस प्रकार से आपको भी लिख के क्या करना है सर्च कर देना है, ठीक है? सर्च करने के बाद सिंपल सा फंडामेंटल गाइस आपको यहां पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे एक लॉगिन का आपका आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस लॉगिन वाला पे आपको क्या करना है क्लिक कर देना है, ठीक है? लॉगिन वाला पर जैसे क्लिक करोगे तो गाइस थोड़ा सा ओपन होने में समय लगेगा, देन उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में, देन उसके बाद तुरंत आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये पहला कंडीशन है, ध्यान से हर स्टेप को समझना। अगर यहां पे पूरी तरीके से नहीं समझते हो, वीडियो को स्किप करके देखते हो तो भाई लॉस आपका होगा, ठीक है? अब यहां पे लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे 727 इस चैनल पे सब्सक्राइबर है और मुझे बहुत दिन हो गया इस चैनल पे शॉर्ट को अपलोड किए हो। मैंने 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट को अपलोड किया था जिस पे लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे व्यू जो है पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। क्यों डाउन हुआ है, इसके पीछे भी रीजन है, अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है?
अब यहाँ पे जाते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे आने के बाद, देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। व्हाइट स्टूडियो में जैसे ही जाओगे तो आपको नीचे सेटिंग देखने को मिलेगा। इस सेटिंग पे आपको क्या करना है, सिंपल सा क्लिक कर देना है, ठीक है। मुझे पता है आप सारे सेटिंग पूरा डाल के रखे होंगे, सारे कैटेगरी वगैरह सारा चीज आप यहाँ पे फुलफिल करके रखे होंगे, लेकिन सारा का सारा कचरा भर के रखे होंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कचरा को वहां पे नहीं भरना है, सारे कचरे को आपको डिलीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आओगे आपको चैनल पे आना है, चैनल पे जैसे आओगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आओगे तो भाई यहाँ पे आप लाइव देख पा रहे, सारा प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे जैसे आओगे तो भाई सबसे पहले जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कीवर्ड, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैंने ज्यादा कीवर्ड इस चैनल के अंदर में नहीं डाला है, बहुत ही दो से तीन ही कीवर्ड डाला है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग डाल के रखा है, ठीक है। आपको ज्यादा कचरा भरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, बहुत सारे हम सब्सक्राइबर्स से कल परसों तीन दिन पहले से काफी अच्छा खासा बात कर रहे हैं, क्योंकि गाइस पहले तबीयत खराब हो गया था तो तीन दिन से पहले मैं अच्छा खासा बात कर रहा हूँ, जिसपे गाइस जितना भी लोगों से बात कर रहे हैं सभी के सभी जो है लोग कचड़े भर के रखे हैं अपने कीवर्ड के अंदर में, ठीक है। इसलिए आपको कचड़ा नहीं भरना है, दो ही डालो, तीन ही डालो, चार ही डालो, लेकिन इंपॉर्टेंट डालो और ट्रेंडिंग डालो, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने क्या डाला है, शॉर्ट्स, शॉर्ट, ट्रेंडिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कीवर्ड में, और ये सारे तीनों जो कीवर्ड है ये रैंक करवाती है सारे शॉर्ट को, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या लिखा है, यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या लिखा है, किचन, किचन इसलिए लिखा है क्योंकि गाइस चैनल का नाम ही किचन है, ठीक है। चैनल का नाम आपको यहाँ पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे पार्वती किचन के नाम से ये चैनल है, इसलिए मुझे यहाँ पे किचन डालना पड़ा है, ठीक है। इसलिए आपको चैनल का नाम बहुत जरूरी है डालना, जो भी चैनल का नाम है आपको डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद फूड से रिलेटेड ये चैनल था, इसलिए मैं इस पर फूड दिखाऊंगा इस, और फूड से रिलेटेड था इसीलिए आपको दिखे हैं। लेकिन अगर आपका कॉमेडी से है तो कॉमेडी से ही लिखना है, मैं कॉमेडी ही इस पर अपलोड करता हूँ, लेकिन फूड वहाँ पे लिख दिया था क्योंकि ये फूड से रिलेटेड चैनल था, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद ये वाइटी शॉर्ट का भी एक ऑप्शन दिखाई देगा, वाइटी शॉर्ट भी मैंने डाल रखा है। देन उसके बाद आलू का सब्जी कैसे बनाए, ये सब सारा चीज जो ये मैंने पहले ही डाल रखा था, लेकिन गाइस ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये जो निचला है किचन वगैरह मैटर नहीं करता है, ये ऊपर वाला जो है सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे यहाँ पे ये जो है तीन गो, ये तीन गो मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसे डिलीट भी कर देंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें चार जो कीवर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला में गाइस शॉर्ट्स, दूसरा में गाइस शॉर्ट, तीसरा में गाइस ट्रेंडिंग, चौथा में गाइस यूट्यूब शॉर्ट्स, और चौथा में और पांचवा में गाइस यहाँ पे किचन, मतलब यानी कि चैनल का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नहीं डालते हो, ठीक है। इतना डालने के बाद देन उसके बाद सिंपल से गाइस आपको एडवांस सेटिंग में जाना है, नो इट नोट मैट फॉर किड्स आपको डाल देना है, ठीक है। देन उसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी में सारे चीज जो ये इनेबल होना चाहिए, और ये इनेबल कैसे होगा, ऑटोमेटिक हो जाता है जब वेरीफाई करोगे अपने चैनल को, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट पे चले जाओ, अपलोड डिफॉल्ट पे चले जाने के बाद देन उसके बाद सेलेक्ट वगैरह जितना भी आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे चीज जो है मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, वीडियो को अपलोड करने समय मैं सेलेक्ट करता हूं। अब वो कैसे, ध्यान से देखना, सारा का सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर में होने वाली है, और इतना चीज को ध्यान में रख दोगे तो भाई आज से ही इस वीडियो का अंत तक होने के बाद अगर आप नेक्स्ट शॉर्ट को अपलोड करोगे तो 100% वायरल होगा ही होगा। वो कैसे, वीडियो को अंत तक देखते जाओ, समझ में आपको आ जाए। तो गाइस उसके लिए मैं सिंपल सा फंडामेंटल गाइस वही सेम चैनल पे एक शॉर्ट को अपलोड कर रहा हूं आपके के सामने, और वो शॉर्ट जो है 100% जो है वायरल होगा ही होगा, और 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 व्यू जो है ऑलरेडी क्रॉस करेगा, पूरा दावे के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब यहां पे जैसे आते हैं तो सेम चैनल पे हम वीडियो को अपलोड करेंगे, लाइव देख पा रहे, लेकिन उससे पहले हमें करना क्या होगा कि गाइस जिस चैनल से हम ग्रीन स्क्रीन शॉट को यूज कर रहे हैं उस चैनल को सबसे पहले हम सर्च करेंगे। बहुत सारे लोग जो है गलतियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो मल्टीपल चैनल से ग्रीन स्क्रीन का शॉट को अपलोड कर रहे हैं, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको दो तीन चार ही चैनल को आपको चूज करके रखना है, या फिर दो चैनल को चूज करके रखो, तीन चैनल को चूज करके रखो, चार चैनल को चूज करके रखो, लेकिन ज्यादा चैनल को आपको चूज नहीं करना है, ठीक है। दो से तीन चैनल को चूज करके रखो और वही चैनल से आपको शॉट को क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन का यूज करना है, क्योंकि भाई मल्टीपल चैनल से बनाओगे तो वहां पे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे चैनल है
जो यहाँ पे रिमिक्स का जो ऑप्शन है वो बंद कर दे रहे हैं, जिससे यूट्यूब जो है आपको स्ट्राइक दे दे रही है, वीडियो को आपका रोक दे रही है। ठीक है, ये चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद सिंपल से मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद मैं रियल फुल लिख देता हूँ, क्योंकि रियल फुल शॉर्ट से मैं जितना भी शॉर्ट इस पे अपलोड किया हूँ वो सारा का सारा रियल फुल के ही चैनल से अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आओगे तो भाई ने एक रिसेंट वीडियो अपलोड किया है जो काफी तगड़े लेवल पे वीडियो है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद इस वीडियो को मैं सिंपल से क्या कर देता हूँ, उठा लेता हूँ गाइस। अब कैसे उठाना है ध्यान से देखना, और यहाँ पे गाइस जब भी आपका शॉर्ट्स रुकने का टेक्निक होता है गाइस, कैसे नए चैनल पे कैसे अपलोड करना है, देन उसके बाद थोड़ा सा पुराना हो जाता है तब कैसे अपलोड करना है वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों चैनल पे अलग अलग काम करती है, नया प्लस पुराना। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद मैं सिंपल सा रिमिक्स पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, रिमिक्स पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद ग्रीन स्क्रीन शॉट जो है इसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, यूज करने के बाद देन उसके बाद अब आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब गाइस यहीं पे आपको तगड़ा वाला दिमाग लगाना है, कैसे दिमाग लगाना है ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपका एक नया चैनल है जिस पे एक भी शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रही है, 40-50 200-300-400-1000-2000 व्यूज अगर आपका जाके रुक जाती है, तो आपको जो है गाइस लेंथ जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा 15 सेकंड का रखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का रखना है। और अगर आपके चैनल पर 2000-4000-5000 व्यूज अगर आके रुक रही है तो आपको लेंथ को क्या करना है कि यहाँ पे 60 सेकंड का देना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये 60 सेकंड का ऑलरेडी हो चुकी है गाइस। 60 सेकंड के होने के बाद देन उसके बाद क्या करेंगे कि पूरा का पूरा इसको यहाँ पे फैला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ऑलरेडी फैल चुकी है गाइस। अब आपको मैं क्या कर देता हूँ, डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो शॉर्ट्स है वो डन हो चुकी है गाइस। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि गाइस ये पूरा का पूरा जो है 60 सेकंड का मैं शॉर्ट को उठा रहा हूँ, क्योंकि गाइस 60 सेकंड का उठाने के पीछे ये रीजन है कि इस चैनल पे 4000-5000 व्यू जो है पूरी तरीके से जाके रुक जा रही थी। लेकिन गाइस इस वीडियो को अगर हम अपलोड करेंगे गाइस यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद अब आपको करना क्या है कि अपना जो फेस है, ठीक है, ये जो फेस है गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा बड़ा इस प्रकार से करके रखना है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है गलतियां कर रहे हैं कि वो अपने फेस को छोटा रख रहे हैं, तो वैसे आपके चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद क्या करोगे, इस वीडियो को चला दो। ठीक है, इस वीडियो को चलाने के बाद देन उसके बाद 1 सेकंड तक 1 मिनट तक आपका जो वीडियो है पूरी तरीके से चलेगी। इस प्रकार से चलने के बाद देन उसके बाद जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, वीडियो खत्म हो जाती है, देन उसके बाद अब आपको आगे का प्रोसेसिंग जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को शॉर्ट को अपलोड करने के ही टेक्निक से आपका जो शॉर्ट से वो रैंक करेगी, लाखों में व्यूज आएगी और मिलियन में व्यूज आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट को अपलोड करने का यूनिक टेक्निक के मदद से। ठीक है, और यूनिक यहाँ पे हैशटैग को यूज करने से। ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है ध्यान से देखते जाओ। मैं यहाँ पे गाइस सिंपल सा इस प्रकार से कर दिया हूँ। ठीक है, और इस प्रकार से करने के बाद देन उसके बाद इस प्रकार से सारा प्रोसेसिंग जो है ऑलरेडी होने लग रहा है। होने के बाद देन उसके बाद थोड़ा सा और चलेगा, देन उसके बाद चलने के बाद देन उसके बाद मेरा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ पे होने लग रहा है, लाइव देख पा रहे, थोड़ा सा बचा हुआ है 2-3 सेकंड। ठीक है, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरा वीडियो जो है कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है गाइस। कंप्लीट होने के बाद देन उसके बाद गाइस मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसको मैं रोक दूंगा। ठीक है, रोकने के बाद आगे का प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद जो है आगे का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको क्या करूंगा, साइन पर क्लिक कर दूंगा। साइन पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद हमारा जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन गाइस वीडियो कंप्लीट हो गई नहीं है अभी, अभी बहुत सारा चीज इसके अंदर में बाकी है। अभी तो गाइस फर्स्ट स्टेज ही इसका बाकी हुआ है इस शॉर्ट को। ठीक है, इसलिए बोलते हैं वीडियो को ध्यान से देखा करो, तभी जाके आपको समझ में आएगा, आप अपने शॉर्ट को लाख में और मिलियन में भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है गाइस। अब आपको यहाँ पे लिख देना है सिंपल सा वेट फॉर एंड, आपको लिख देना है। ठीक है, ये चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा कि लोग जो है रुकेंगे वेट फॉर एंड लिखने से। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, इस प्रकार से कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद देन उसके बाद गाइस अब आपको काम करना क्या है, यहाँ से मेन जो इंपॉर्टेंट काम होती है वो गाइस थंबनेल को सेट करना है। ठीक है, आप थंबनेल जो है सेट ही नहीं करती है करते हैं जिससे आपकी शॉर्ट जो है रैंक कभी भी करता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको थंबनेल को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थंबनेल कैसे सेट करना है पूरा का पूरा ध्यान से देखो, पूरा का समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस मैं वही वाला थंबनेल लगाऊंगा जो गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद क्या करूंगा, सिंपल सा इस प्रकार से करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे होंगे। ठीक है,
थोड़ा सा अट्रैक्टिव वाला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला लगाने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे करेंगे इस प्रकार से डन, ठीक है। डन करने के बाद देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, हम शॉर्ट्स को लिख देंगे, ठीक है। अब शॉर्ट को लिखने के बाद देन उसके बाद सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे कॉमेडी लिख देते हैं। देन उसके बाद वीडियो को अनलिस्टेड करके आपको क्या करना है, सिंपल सा अपलोड कर देना है, ठीक है। मेरा शॉर्ट जो है अपलोड हो चुकी है गाइस। अब जो मेन काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से समझना मेरे भाई। तो गाइस फाइनली हमारा जो शॉर्ट्स है गाइस यहाँ पे अपलोड हो चुकी है गाइस। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा वाइट स्टूडियो के अंदर में चले जाएंगे, ठीक है। अब वाइट स्टूडियो में जाने के बाद उसके बाद हमारा जो शॉर्ट्स है गाइस यहाँ पे कंटेंट में जाते हैं और यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब अपलोड होने के बाद उसके बाद गाइस अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पे प्रूफ देख पा रहे होंगे हमारा शॉर्ट जो है अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाने के बाद देन उसके बाद गाइस मेन जो काम है अब यहीं से शुरू होती है। अब कौन सा हैशटैग को यूज करना है, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक को यूज करना है, कौन सा ट्रेंडिंग कीवर्ड को यूज करना है, ये सारे से जो है इस वीडियो के अंदर में आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे जैसे आओगे तो सबसे पहले गाइस अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा YouTube के अंदर में चले जाना है, ठीक है। YouTube के अंदर में जाने के बाद देन उसके बाद गाइस जो भी आपने वीडियो पर ग्रीन स्क्रीन का यूज किया है उस वीडियो का गाइस ट्रेंडिंग हैशटैग और ट्रेंडिंग कीवर्ड को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। कैसे कॉपी पेस्ट करना है ध्यान से देखना, पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो को मैंने उठाया था, ठीक है, इस वीडियो को उठाया थे तो भाई यहां पे आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद एक नीचे लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, इस लिंक को कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद देन उसके बाद गाइस अब जो आपको काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा गाइस वाइट टूल का, ठीक है। इस वाइट टूल एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसी से हम ट्रेंडिंग हैशटैग को कॉपी पेस्ट करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना, यहां पे आके देन उसके बाद इसको पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। गो पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जो गाइस आपको काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। यहां पे जैसे आओगे तो एक नीचे देखने को मिलेगा कॉपी टाइटल का, ठीक है। अब इस टाइटल को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। टाइटल को कॉपी करने के बाद देन उसके बाद गाइस अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इस वीडियो के टाइटल में आ जाना है। टाइटल में आने के बाद देन उसके बाद गाइस यहां पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है उसी सेम टाइटल को, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद देन उसके बाद थोड़ा सा आपको एडिटिंग में सुधार कर देना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कर देना है, ठीक है। और यहां पे आने के बाद देन उसके बाद ये सारे जो है टाइटल को यहां पे कॉपी फिर से सिलेक्ट कर देना है, कॉपी करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, देन उसके बाद आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देन उसके बाद पीछे आ जाना है, देन उसके बाद आपको फिर से टैग में जाना है। टैग में जाने के बाद देन उसके बाद आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देन उसके बाद फिर से सेम एप्लीकेशन में जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी हैशटैग का, ठीक है। ये सारे कॉपी को क्या करना है, हैशटैग को कॉपी कर लेना है। हैशटैग को कॉपी करने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आना है। देन उसके बाद यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद देन उसके बाद सारे पेस्ट को देना है आपको हैशटैग को, ठीक है। हैशटैग को पेस्ट करने के बाद देन उसके बाद भाई अब आपको करना क्या है कि नीचे आना है। कीवर्ड का नीचे देखोगे तो कीवर्ड एक भी नहीं है, मतलब यानी कि इस वीडियो के अंदर में कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो यानी कि हम भी इस वीडियो के अंदर में कीवर्ड जो है नहीं सेट करते हैं, ठीक है। तो मैं कीवर्ड यहां पे सेट नहीं कर रहा हूं गाइस, डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूं, दिमाग लगा देता हूं। अब यहां पे जो है सारा चीज जो है मैंने यहां पे फुलफिल कर लिया है गाइस। अब यहां पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस फिर से आपको यहां पे आना है और यहां पे आने के बाद देन उसके बाद कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग को यूज करना है, ट्रेंडिंग कीवर्ड को यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां पे लिख देना है शॉर्ट, ठीक है। एक बार पहले लिख दिया, उसके बाद फिर से आपको लिख देना है शॉर्ट, ठीक है। एक बार शॉर्ट्स लिखना है, मतलब एस लगा के, और एक बार ऐसे ही लिखना है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट, ठीक है। हम लिख दिए इसको भी भाई। अब यहां पे लिखने के बाद देन उसके बाद आपको लिख देना है ट्रेंडिंग, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग लिखने के बाद देन उसके बाद आपको लिख देना है वाइटी शॉर्ट्स। क्या लिख देना है, वाइटी शॉर्ट्स। इस प्रकार से वाइटी शॉर्ट्स लिख देते हैं, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद देन उसके बाद गाइस अब आपको लिख देना है सिंपल सा कॉमेडी। जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो उसी को आपको को लिख देना है। किचन से काम करते हो तो किचन पे लिख देना, ब्लॉगिंग पे काम करते हो ब्लॉगिंग लिख देना। मैं कॉमेडी पे काम कर रहा हूँ इसलिए कॉमेडी लिख दिया, ठीक है। कॉमेडी लिखने के बाद देन उसके बाद जिसका भी आप वीडियो उठा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे सूरज रॉक्स भाई का उठा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूरज रॉक्स, ठीक है। सूरज रॉक्स भाई का जो मेन चैनल से हमने शॉर्ट्स उठाया है उस चैनल को भी नाम यहाँ पे मेंशन करना है, रियल फुल फुल, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट्स, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है ऑफिशियल, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है, उसके बाद फिर से आपको लिख देना है रियल फुल, इस प्रकार से लिख देना है रियल फुल, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है शॉर्ट्स, उसके बाद फिर से एक बार लिख देना है रियल
उसके बाद फुल, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। इनका एक से दो तीन चैनल और है, मैं उसका भी नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रियल फुल का नाम से इनका चैनल जो है, एक चैनल है रियल फुल ब्लॉग, या फिर रियल ब्लॉग है आई थिंक, ठीक है, तो रियल ब्लॉग लिख देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे इनका चैनल का नाम एक और है ABC ब्लॉग, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद देन उसके बाद पीछे आ जाना है, पीछे आने के बाद देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना है। अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है, मेंशन कैसे करना है, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे @ लिख देना है, उसके बाद लिख देना है रियल, उसके बाद फुल, ठीक है। रियल फुल यहाँ पे लाइव देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे मेन चैनल है 30 लाख, उसके बाद एक यहाँ पे ऑफिशियल वाला, ठीक है, मैं एक ऑफिशियल वाला को कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं लिख देता हूँ रियल, उसके बाद यहाँ पे फुल, ठीक है, रियल फुल यहाँ पे लाइव देख पा रहे होंगे, टीम वाला है तो मैं टीम वाला को भी कर देता हूँ। अब एक और इनका चैनल है गाइस यहाँ पे ABC ब्लॉग, ठीक है, ABC ब्लॉग वाला को भी कर देता हूँ। एक और इनका चैनल है गाइस यहाँ पे रियल ब्लॉग, ठीक है, रियल ब्लॉग, इस प्रकार से रियल ब्लॉग का भी चैनल जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, रियल उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग, ठीक है। रियल ब्लॉग जैसे लिखोगे तो यहाँ पे चार चैनल को मैं मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है, जिसका भी आप शॉर्ट्स उठा रहे हो उसी शॉर्ट क्रिएटर का गाइस एक चैनल ही होता है, दो तीन चार चैनल होता है, तो उस सारे चैनल को आपको क्या करना है, मेंशन कर देना है। एक और चैनल को लिख सकते हो गाइस यहाँ पे Amit FF ब्लॉग, ठीक है, Amit FF ब्लॉग का भी चैनल जो है काफी पॉपुलर है, तो इसका भी हम लिख देते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद देन उसके बाद वीडियो को क्या करो, डायरेक्ट कर दूं पब्लिक, ठीक है, 12:53 हो रहा है, मैं वीडियो को क्या करूंगा, डायरेक्ट पब्लिक कर दूंगा। पब्लिक करने के बाद देन उसके बाद हमारा जो शॉर्ट्स है वो ऑटोमेटिक वायरल होने लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि बूस्ट मारना होगा इस शॉर्ट को, ठीक है। अब शॉर्ट को कैसे बूस्ट मारा जाता है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, यहाँ पे ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि शॉर्ट को कैसे बूस्ट मारा जाता है। देन उसके बाद इस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो वायरल हुआ कि नहीं वायरल हुआ।